नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में गोंडा उत्तर प्रदेश से रवि कुमार जी। रवि कुमार जी का एक कान का टेम्पेनोमास्टॉइड सर्जरी 2 दिन पूर्व हुआ था और आज दूसरे कान का सर्जरी प्लान्ड है। रवि कुमार जी, आपकी कान से संबंधित मुख्य तकलीफें क्या क्या है? सर, इस कान से कम सुनाई देता है 45% लगभग जी। सर, ये चक्कर आ जाता है, सब बहता है जी। इसका पूर्व में भी ऑपरेशन हुआ था, लगभग कितने साल पहले ही ऑपरेशन हुआ था? 12 साल पहले। ठीक है, आपकी टिम्पेनोमास्टॉइड जो डिजीज़ है जो आपके सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है और संतुलन में भी गड़बड़ाहट लाती है, उसके लिए हम दूरबीन द्वारा आज यहाँ ऑपरेशन के लिए हैं और ये ऑपरेशन आज दूरबीन से किया जाएगा और ये पूर्णतः दर्दरहित रहेगा। इसके लिए एनेस्थेटाइज किया जाएगा आपके कान को सबसे पहले। ओके, ये हाँ दर्द नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन आपका हुआ जी सर, इसके बाद में जो लास्ट 2 दिन है वो कैसे रहे? कोई विशेष तकलीफ तो नहीं रही? जी सर, इसके पहले सर ये 35 में सर 90-95 प्लस है सर। सुनाई पहले कितनी थी इस उल्टे कान में? 35 थी इसकी। 35% थी। ऑपरेशन के बाद में अब कितनी हो गई है सर? 95 95% है। और ऑपरेशन के बाद कोई विशेष दर्द वगैरह तो नहीं रहा? नहीं सर, विशेष दर्द नहीं। ठीक है, तो अब आपके इस दूसरे कान के ऑपरेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। रवि जी, आपके इस कान में जो मास्टॉइड डिजीज थी उसे निकाल दिया गया है और अस्थियों का जो चेन थी, ऑसिकुलर जो चेन थी वो डैमेज थी, उसकी जगह हमें टोटल ऑसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस की ORP लगाना होगा। ये हम देख पा रहे हैं वीडियो में, टॉर्प ये लगाया जा रहा है। इसे लगाने के बाद आपके सुनाई क्षमता का विश्लेषण करेंगे। हाँ जी, 80% से ऊपर। अभी कितना है? 80 से ऊपर है। दूसरे कान में जिसका ऑपरेशन चल रहा है उसका? चलिए, मैं आपका भी करूंगा असेसमेंट, ये लगा दें उसके बाद। रवि जी सर, आपके इस कान का टिम्पेनोमास्टॉइड सर्जरी दूरबीन द्वारा संपन्न हो गया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले से सर 90 प्लस है सर। अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर भी आऊँगा। पहले हम कान के आंतरिक हिस्से को देख रहे हैं, एक बार कान का पिछला हिस्सा दिखा दीजिए। और अब हम रवि जी से बात करना चाहेंगे। रवि जी, अब आपकी बारी है, अब आप बताइए। क्या सर? पहले कितना था सुनाई? सर पहले 25% था। और अब कितना हो गया? अब सर 90 से ऊपर है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, उम्मीद नहीं थी कि 90 आ जाएगा। इतनी उम्मीद नहीं थी? यस सर। आप गोंडा से है ना? जी सर। तो आप जब गोंडा से निकले तो आपके मन में क्या क्या शंकाएं थी? सर हमारे मन में बहुत बड़ा विश्वास है और सर हम 3 लोगों का भी और लाना है सर, हमें बहुत खुशी हुई सर। तो आप जिस लक्ष्य जिस उद्देश्य के लिए जयपुर आए थे अशोक बेस्ट, क्या वो पूरा हुआ? यस सर, पूरा हुआ सर। आप उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम यही संदेश देना चाहें कि जिन बच्चों को कान में कोई भी समस्या है जी, वो एक बार आके जरूर यहाँ से इलाज करवाएं अपना, और एक जरूर महीने में आप एकदम टंटन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नब्बे फिर दर्द भी नहीं होता है सर। जी, थैंक यू। आपने टीम अशोक बेस्ट में विश्वास रखा और उसका परिणाम सर हम भी पैरामिलिट्री के अभ्यर्थी हैं। बहुत बढ़िया। आप सर, मेरा सर लगता है ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप निरंतर परिश्रमी हैं और ईश्वर ने चाहे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर।